बुजुर्गों के 100 साल पुराने नुस्खे कीमती समय निकालकर अवश्य सुन लें। नंबर 1, आटे में दूध मिलाकर चेहरे पे रगड़ने से चेहरे का रंग साफ होता है। नंबर 2, रोटी बनाते समय भाप से हाथ जल जाए तो जली हुई जगह पे आलू काट के लगाएं से आराम मिलता है। नंबर 3, दालचीनी को पीसकर माथे पे लगाने से सिर दर्द में आराम मिलता है। नंबर 4, अगर पेट में ज़्यादा गैस बन रही है तो मेथी दाने का इस्तेमाल करें, गैस से राहत मिलेगी। नंबर 5, किडनी स्टोन से दूर रहने के लिए नियमित रूप से तरबूज का सेवन करें। नंबर 6, अदरक नींबू का पानी पीने से खून साफ होता है, जिससे त्वचा पर चमक आती है और यह पिंपल, स्किन इन्फेक्शन जैसी समस्याओं से बचाता है। नंबर 7, दांत में दर्द होने पर गुनगुने पानी में थोड़ा सी हींग मिलाकर कुला करने से दर्द ठीक हो जाता है। नंबर 8, पके हुए अनार का रस गर्म करके बच्चों को पिलाने से बच्चों की उल्टी रुक जाती है। नंबर 9, अदरक के एक टुकड़े पर सेंधा नमक लगाकर धीरे से चूसने, इससे आपकी आवाज़ खुलकर आएगी। नंबर 10, थोड़ी देर कान में उंगली डालकर रखने से दिमाग तरोताजा हो जाता है। नंबर 11, रंग साफ और गोरा करना है तो रात को दूध की मलाई को लेकर चेहरे पे लगा लें, सुबह मुंह धो लें। नंबर 12, औरतें प्रेगनेंसी में केले का सेवन जरूर करें, इससे बच्चों की हड्डियां मजबूत होती हैं। नंबर 13, जो औरत मेथी दाना का सेवन करती है वह औरत कभी बूढ़ी नहीं होती है। नंबर 14, जो औरतें हमेशा झाड़ू पोछा लगाती हैं वह कमर दर्द की बीमारी से बची रहती हैं, साथ ही मोटापे की बीमारी से भी दूर रहती हैं। नंबर 15, नहाने के दौरान अगर कान में पानी चला जाए तो जिस कान में पानी गया है उसको उसी तरफ झुका दें, पानी कान से बाहर निकल जाएगा। नंबर 16, हाथ पैर सुन्न होने का बीमारी है तो एक चम्मच शहद और आधा नींबू का रस एक गिलास पानी में मिलाकर कम से कम 40 दिन तक पिए, इससे आपके हाथ पैर सुन्न होने बंद हो जाएंगे। नंबर 17, खजूर के साथ बड़ी इलायची खाने से बूढ़ी औरतें भी जवान नज़र आती हैं। नंबर 18, गुड़ के साथ चावल खाने से कभी खांसी और गले में खराश जैसी दिक्कत नहीं होती है। नंबर 19, नीम और बेर के पत्तों को पानी में उबालकर उस पानी से सिर धोने से बाल गिरने कम हो जाते हैं। नंबर 20, अगर आप रात को सोने से पहले अपनी नाभि पर सरसों का तेल लगाते हैं तो इससे आपके पेट संबंधी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं और आपकी त्वचा और होंठ भी नहीं फटते हैं। नंबर 21, एक केले को पीसकर इसे। नंबर 22, स्नान के बाद आप अपनी 10-15 मिनट के बाद नारियल पानी की कुछ बूंदें अपने बॉडी पे लगाएं तो इससे मॉइस्चराइजर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है और त्वचा का रंग भी निखरने लगता है। नंबर 23, शाम को स्नैक्स में मखाना खाना आपके शरीर में कब्ज और लंबे समय तक बैठने के कारण होने वाली पेट की समस्याओं को कम करने में मदद करता है, साथ ही एनर्जी बूस्ट भी है। नंबर 24, आप चाहते हैं कि गुर्दे हमेशा ठीक रहें तो रोज़ाना रात को पेशाब करके सोएं। नंबर 25, जिन बच्चों की आंखें भूरे रंग की होती है उनका दिमाग बहुत तेज होता है।
नंबर 26 खाना खाने के बाद बड़ी इलायची का चबाकर खा लें, इससे आपका खाना जल्दी हजम हो जाएगा। नंबर 27 गर्म मखाना का इस्तेमाल करने से पेट की चर्बी भी घटना शुरू हो जाती। नंबर 28 अगर दिल की धड़कन अचानक तेज हो जाती है तो सुबह खाली पेट शहद और प्याज को मिक्स करके खा लिया करें। नंबर 29 छिलके समेत आम खाने से बांझपन की बीमारी दूर हो जाती है। नंबर 30 सांस फूलने की समस्या में दही की कड़ी में थोड़ा सा देसी घी मिलाकर कुछ दिनों तक खाएं, इससे बहुत लाभ मिलता है। नंबर 31 पानी में सौंठ पीसकर माथे पे लगाने से सर्दी से होने वाला सर दर्द रुक जाता है। नंबर 32 नींबू का सेवन किसे नहीं करना चाहिए। नंबर 1 जिन्हें हड्डियों से जुड़ी कोई समस्या हो। नंबर 2 जिन्हें दांतों में ठंडा पानी सेंसिटिविटी की समस्या हो। नंबर 3 जो आयरन की दवा ले रहे हो। नंबर 4 जिन्हें पेट में अल्सर की समस्या है। नंबर 5 एसिडिटी में नींबू का सेवन ना करें। नंबर 6 माउथ अल्सर वाले भी इसका सेवन ना करें। और नंबर 7 ऐसे व्यक्ति जिन्हें माइग्रेन की समस्या हो वो भी नींबू का सेवन ना करें। नंबर 8 किडनी की समस्या वाले को भी नींबू नहीं लेना चाहिए। जिस इंसान को गले में दर्द और टॉन्सिल की समस्या हो वह नींबू का सेवन ना करें। नंबर 9 जिस इंसान को गले में दर्द और टॉन्सिल की समस्या हो वो लौंग नींबू पानी का सेवन ना करें। नंबर 33 चीनी का सेवन एक चीज़ का अति से ज़्यादा हो जाना चाहे सेहत के लिए हानिकारक होता है। आप सभी को बता दें अगर आप चीनी की ज़्यादा मात्रा में ले रहे हैं तो वह भी सेहत के लिए नुकसानदायक है। ज़्यादा चीनी से सेहत से शरीर में सेवन से शरीर में ब्लड शुगर बढ़ता है जिससे चेहरे पर झुर्रियाँ नज़र आने लगती हैं। नंबर 34 धूप में रहना, धूप सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। जी हाँ, और सुबह के समय ली गई धूप से विटामिन डी मिलता है। हालांकि ज़्यादा देर तक धूप में रहने से त्वचा पर टैनिंग और डलनेस हो जाते हैं, इसीलिए आप सुबह की समय की धूप ही लें। नंबर 35 शराब का सेवन, शराब सेहत के लिए कितनी हानिकारक होती है ये तो आप जानते ही होंगे। हालांकि यह भी एक कारण है कि शरीर की उम्र तेज़ी से बढ़ती है और आप समय से पहले ही बूढ़े नज़र आने लगते हैं। नंबर 36 नींद की कमी, हर इंसान की ज़िंदगी में 7 से 8 घंटे की ज़िंदगी बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, और काम की व्यवस्था के कारण अक्सर लोग अपनी नींद पूरी नहीं कर पाते हैं, ऐसे में बुढ़ापा जल्दी आ जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके। फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। यह वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, सब्सक्राइब भी ज़रूर करना, बेल आइकन ऑन करना ताकि मेरी हर वीडियो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे और आपको ऐसी ही ट्रिक्स और ट्रिप की वीडियो मिलती रहे। तो आगे फिर मिलेंगे एक नई टिप्स और ट्रिक की वीडियो में। आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।